वेलकम टू ईशानी वीडियोस। वैसे आज हम आपके लिए लाए हैं नागिन सीजन 4 से जुड़ी बहुत ही अच्छी खुशखबरी, जो कि आप सुनकर उछल पड़ेंगे। लेकिन उस खुशखबरी से पहले आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि कब आपकी यहाँ पर खुशखबरी का दिन आने वाला है और कब खुशखबरी आपकी पूरी होगी। चलिए आपको हम बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पर, ईशानी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको 100% रियल न्यूज मिले और आप पूरी तरह से यहाँ पर गुमराह होने से बच जाएं, ताकि यहाँ पर कई सारे न्यूज जो रहते हैं आपको गुमराह करने के लिए फैलाए जाते हैं, लेकिन आप गुमराह ना हो पाए हमेशा यहाँ पर आप रियल न्यूज देखें। ईशानी वीडियोस को सब्सक्राइब कर लीजिए, यकीन नहीं होता पिछली वीडियोस हमारी सारी जाके देख सकते हैं, ताकि आपको कंफर्म हो जाएगा कि यहां पर 100% रियल न्यूज़ मिलती है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं यहां पर आपको क्या खुशखबरी मिलने वाली है। आप सब इंतजार कर रहे होंगे नागिन सीजन 4 के नागिन का मेन लीड नागिन कौन होने वाली है। इस बार नई नागिन जो आने वाली है उसका चेहरा कब रिवील होगा, आखिर में क्या यहाँ पर जो नागिन है जो हम सोच रहे हैं वही आने वाली है, यानी कि यहाँ पर कई सारे रूमर्स थे हिना खान, क्रिस्टल डिसूजा, सुरभि चंदना और भी दूसरे यहाँ पर कैरेक्टर्स को लेकर। तो यहाँ पर क्या सच में नजर आने वाली है, क्या पुराने कैरेक्टर्स नजर आएंगे, कई सारे आपके मन में सवाल होंगे, तो इसका जवाब आपको नाग पंचमी के दिन मिल जाएगा। जी हाँ, शौक लगा थोड़ा, लेकिन हाँ पूरी तरह से कंफर्म डेट है, नाग पंचमी के दिन आपको हिंट मिल जाएगी। एकता कपूर की तरफ से यहाँ पर एक ऐसा अपडेट दिया जाएगा जो कि उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर होगा, और आप जाइए उन्हें फॉलो कर दीजिए, ताकि ईशानी वीडियोस को भी फॉलो कर दीजिए, ताकि आपको हमेशा रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट मिलते रहे। वैसे हम पूरी तरह से आपको रियल अपडेट्स प्रोवाइड कराते हैं नागिन सीरीज से रिलेटेड, आप जाके देख सकते हैं हमारी पिछली वीडियोस भी। आपको क्या लगता है कौन सी यहाँ पर आपको नागिन देखनी ज्यादा पसंद आएगी, यानी जो रूमर्स थे हिना खान का नाम सामने आया था, सुरभि चंदना का नाम सामने आया था, उसके बाद में यहाँ पर नाम सामने आया था क्रिस्टल डिसूजा का। अब तीन यहाँ पर नागिन जो फाइनलाइज हो सकती हैं, तीनों में से कौन सी ज्यादा नागिन आपको अच्छी लगेगी। और साथ ही साथ नागिन की कैटेगरी में एक ऐसे कैरेक्टर को रखा गया, एक ऐसे एक्टर को रखा गया है जो कि यहाँ पर अभी हिडन है, अब वो कौन है उसके बारे में नहीं पता, उसके चांसेस हैं पूरी तरह से, वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर एक्ट्रेसेस हैं और जिसका यहाँ पर हो सकता है कि वो मेन लीड नागिन के तौर पर दिखाई दें। अभी वो नाम सामने नहीं आया है, जो रूमर्स फैल रहे थे उसके हिसाब से सिर्फ तीन नाम अभी मेन लीड के साथ में सामने आए हैं, लेकिन जैसे ही नाम रिवील होगा आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। नाग पंचमी तक का इंतजार करना है आपको, नाग पंचमी के दिन आपको एक यहां पर हिंट मिल जाएगा और आपको पूरी तरह से कंफर्मेशन भी मिल सकती है कि कौन होने वाली है आने वाली सीरीज की नई नागिन। और फेक वीडियोस से आप हो गए हैं परेशान, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ईशानी वीडियोस को, ताकि आपको 100% और रियल अपडेट्स मिले। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, आप हमारी पिछली वीडियो सारी जाके देख सकते हैं, आपको पूरी तरह से कंफर्म और 100% रियल अपडेट मिलेगी। आप हमें पूरी तरह से बता सकते हैं, हम आपके सारे सवालों के जवाब भी देते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके जल्दी जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करते रहते हैं, और बाकियों के यहाँ पर तो रिप्लाई ही नहीं आते। सब्सक्राइब कर लीजिए ईशानी वीडियोस को, ताकि आपको रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट मिलते रहे। नागिन सीरीज से रिलेटेड कोई भी सवाल हो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।